हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सरकार ट्यूब में स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो थी जो हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट में तो इंट्रोडक्शन था हमारा, है ना, और उसके बाद अल्फाबेट्स पढ़े थे हमने। तो हमने अल्फाबेट्स जो सीखे थे हमने, उन संबंधी हमारे आज क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे उनके संबंधित। जो भी क्वेश्चन थे या जो भी इनके संबंधित ट्रिक हैं, वो सारे आज क्वेश्चनों में आ जाएंगी, ठीक है। और जो लास्ट वाली वीडियो थी ना हमारी, उसमें क्या हुआ था, जो ए ई आई ओ यू था, उसमें जो यू था ना, वो गलती से 22 पे लिख दिया था, है ना, जो कि कितने पर था, 21 पे, है ना, वो कितने पर था, 21 पे, ठीक है, 22 पे लिख दिया था, जो 21 पे था। देखिए, अब देखिए उस संबंध में क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था उसमें, कि हम जब भी अंग्रेजी वर्णमाला में स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट्स को लिखने, ए बी सी डी, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाएं से करते हैं ना, बाएं से। और जो अपने जेड से स्टार्ट करते हैं, किससे करते हैं, दाएं से, ठीक है। अब देखिए उससे संबंधित फर्स्ट में क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सोलवा अक्षर कौन सा है, ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सोलवा अक्षर कौन सा है, तो देखिए हमने याद किए थे ना, ई ज्योति, याद होगा, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पूछा है, सोलह पूछा है ना। अब हम ई ज्योति में देखते हैं तो 5, 10, 15, तो 15 अक्षर कौन सा है, ओ है, और ओ के जस्ट बाद 16 अक्षर कौन सा जाएगा, पी, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, पी, ओके। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16 अक्षर कौन सा है, बाएं से पूछा था, इसे स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा 15 अक्षर वो क्या है, ओ है, तो 16 कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये तो था बाएं से, ठीक है, अब हम करते हैं किससे, दाएं से। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से इक्कीसवां अक्षर कौन सा है। अब देखिए इसके हमारे पास क्या डबल तरीके हैं, फर्स्ट में तो हम किसके न मानकर स्वयं अपनी माने कि मुझे मेरे टाइप से करना है, ठीक है, तो हम देखो अपने टाइप से कैसे करेंगे। यहाँ पर देखते हैं दाएं से 21वां पूछा है, दाएं किससे स्टार्ट हुआ है, जेड से, ठीक है। अब देखिए जेड से 21वां अक्षर है, जबकि टोटल अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है, तो ये दाएं से 21वां है, तो इसके बाद और कितने बचे, 5 बचे ना, ठीक है, इसके बाद 21 के बाद कितने बचे, 5 अक्षर बचे, तो ये 21वां कौन सा हो गया, छठा अक्षर हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठा कौन सा होता है, एफ होता है, एफ होता है ना, ई 5 होता था, एफ कौन सा था, छठा। तो देखिए हमारे एक तरीका क्या हो गया, कि हमें देखते हैं कि दाएं से 21वां पूछा है, ठीक है, तो बाएं से कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा, क्योंकि 21 के बाद 5 अक्षर बच रहे हैं और छठा ये 21वां पूछा ही है, तो एफ हो गया। और इसके अलावा दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है, अगर अंग्रेजी वर्ड वाले में दाएं से पूछते हैं, ठीक है, अगर दाएं से पूछ रहा है कोई सा भी, तो उसे जो पूछ रहा है ना, उसे 27 में से माइनस करते हैं, ठीक है, तो 27 - 21 = 6, तो छठवां अक्षर कौन सा हो गया,
छह आया नहीं है, तो छठवां अक्षर कौन सा हो गया? अक्षर इजकल टू एफ। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं कि दाएं से 21 पूछा था, इसके 5 बाई साइड में है, ठीक है, वो दाएं साइड में ही है, ठीक है, तो 5 तो वो रह गए और 21 वो पूछ रहा है, तो छठा वो हो गया, तो छठा अक्षर हमारा एफ हो गया। या हम ऐसा कर सकते हैं, अगर दाएं से पूछा तो 21 में से जितने पूछ रहा है उसे माइनस कर देंगे, तो 27 में से उसको माइनस करेंगे 21 को, तो कितना आएगा? 6 आएगा, और छठा अक्षर कौन सा होता है? हमारा एफ होता है। ओके, ये दोनों तरीके हो गए अपने। अब आता नंबर तीसरा, देखिए बाएं से भी हो गया, दाएं से भी हो गया। अब देखिए नंबर तीसरा टाइप, ये टाइप फर्स्ट है, आप टाइप लिख सकते हो इसे चाहे तो। टाइप थ्री, देखिए तीसरा टाइप क्या अपना, ये तो हो गए दाएं बाएं से। अब आता है हमारा अक्षर, जो हमारे वर्ण है वो कैसे, क्वेश्चन आता है हमारा ऐसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है? ठीक है, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं चौथा कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट में बताऊं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए यहां पर बायाएं और दायाएं। अब देखिए हमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में बायां और दायां आए तो हम क्या करते हैं, बाएं और दाएं दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, बायां प्लस दायां। अगर दायां प्लस बायां हो तो अभी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों को, ठीक है। और अगर बायां और बायां जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, बायां बायां है ना, तो क्या करते हैं, सबट्रैक्ट माइनस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर सेकंड वाला बड़ा है तो फर्स्ट वाले घटा देते हैं, ठीक है। और या दायां दायां आ जाए, दायां दायां आ जाए या बायां बायां आ जाए, हमें क्या करना है, माइनस ही करना है। और अगर दायां बायां या बायां दायां आए तो प्लस करते हैं, सेम आते हैं तो माइनस। अब देखिए यहां पर बायां दायां है ना, तो क्या करते हैं, प्लस 12 प्लस 8 इजकल टू 20, तो 20 अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी, टी होगा ना, 20 अक्षर कौन सा हो गया, टी, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं, अब देखिए अक्षर के दाएं पूछा है ना, 12वें अक्षर है बाएं से, हम बाएं से स्टार्ट किया, ठीक है, बाएं से किधर चल रहे हैं, हम दाएं साइड में, दाएं साइड में चल रहे हैं ना, तो बाएं से 12वें हो गया, ठीक है, और इसके दाएं चलना है हमको 8वां, तो 12 में 8 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20वां अक्षर कौन सा हो गया हमारा, टी हो गया, ठीक है। आगे समझ में कि बाएं से 12वां अक्षर आ गया, तो 12वां जो हमारा अक्षर आया है उसके दाएं 8वां चलना है, तो उसके 12वां जो अक्षर आया है हमारा उसके दाएं 8वां चलेंगे, तो हमारा कौन सा आ गया, टी आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा 20वां अक्षर, ठीक है, ये हो गया टाइप थ्री। अब आता है इसके बाद टाइप फोर, ये तो था बाएं से दायां, अब आते हैं हम दाएं से बायां।
देखिए टाइप फोर, अब देखिए टाइप फोर क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है 13वें अक्षर के बाएं। देखिए फर्स्ट में क्या गया इसमें दाएं, तो हम जब दाया शब्द आ रहा है तो हम समझ गए कि दाया आया तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जेड से हो रहा है ना, तो जेड से 13वां अक्षर, ठीक है जेड से 13वां अक्षर आ गया। फिर उसके बाएं, दाएं से हम किधर चल रहे हैं बाएं साइड में, ठीक है तो दाएं से चल रहे हैं बाएं में, तो जेड से हम चले तो ठीक है 13वां अक्षर आ गया, और उसके भी कहां बाएं कौन सा 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है तो 13वां अक्षर है ना, फर्स्ट में 13वां अक्षर प्लस 7वां अक्षर इक्वल टू 20वां। अब देखिए कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें कि जैसे ही 13वां 7वां आया 20वां डायरेक्ट कर लिख देंगे टी, जो कि होगा हमारा रॉन्ग, क्यों होगा रॉन्ग, क्योंकि इसमें दाएं से पूछा है ना कि बाएं से पूछा है, किससे पूछा है दाएं से, तो दाएं से 20वां, इधर से 20वां अक्षर पूछा है, इसका मतलब ये जो दाएं से 20वां पूछा है ना इसके इधर कितने अक्षर और हैं 6, 6 ना, 20वें के इधर और कितने अक्षर हैं 6, टोटल 26 होते हैं ना, तो इसलिए तो कौन सा पूछा है 7वां अक्षर, कौन सा पूछा है 7वां अक्षर, जो कौन सा होता है जी, जी होता है ना ए बी सी डी एफ जी, तो कौन सा अक्षर होगा हमारा 20वां जी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 13 प्लस 7 करेंगे तो 20 आ गया। अब देखिए जो ये हमारा 20 आया है ये कहां से आया, दाएं से, और जब हम किसे निकालना है बाएं से, तो बाएं से कौन, दाएं से ये 20वां है। अब देखिए दाएं से हम जब जेड से चलेंगे हम 20वां, तो हम क्या करेंगे जब जेड से 20वां चलेंगे तो हमको दिक्कत आएगी चलने में, हमारा टाइम वेस्ट होगा 30 या 40 सेकंड वेस्ट हो जाएंगे, जबकि हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन 4 या 5 सेकंड में ही करने, लास्ट 10 सेकंड में कर देना ये हल, तो 10 सेकंड में ऐसे ही हो सकता है कि हम डायरेक्ट करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13 अक्षर के बाएं 7वां कौन सा है, तो दाएं बाएं तो 13 प्लस 7 कितना हो गया 20वां, 20वां दाएं से, ठीक है 20वां कहां से दाएं से, तो हम बाएं से निकालेंगे तो कौन सा हो जाएगा 7वां, क्यों 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा 27, तो 7वां कौन सा हो जाएगा जी हो जाएगा हमारा, ठीक है कौन सा हो जाएगा जी, ये हो गया हमारा 10 सेकंड का काम, ठीक है ये तो था, मैंने 10 सेकंड के चक्कर में मैंने खुद ने तेज बोल दिया, धीरे में ही है कि दाएं से 13वां अक्षर के बाएं 7वां, तो 13 प्लस 7 इजकल टू 20वां आ गया, और ये पूछा है दाएं से, तो हमें तो दाएं से 20वां निकालेंगे तो क्या आएगा जी आएगा, जी क्यों आया क्योंकि ये दाएं से 20वां है, ठीक है अब इसे अगर बाएं से निकालेंगे तो कौन सा आएगा ये 7वां, कौन सा आएगा बाएं से 7वां, जो क्या होता है जी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप फाइव, टाइप फाइव आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
14वें अक्षर है। के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के बाएं ना पांचवा अक्षर कौन सा होगा? देखिए, बायां बायां है दोनों, तो बायां बायां क्या होता है? माइनस होता है, जो भी हमने बताया था फर्स्ट में। तो देखिए, 14वां अक्षर है ना, तो 14 माइनस कितना है? 5। क्या आ गया? 9। तो नवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? ना कौन सा आएगा? ये ज्योति में निकालेंगे तो जैसे पहले क्या आता है? आई। तो हमारा नवा अक्षर कौन सा गया? आई। ये तो हो गया बायां बायां, डायरेक्ट हमने निकाल दिया। या मैं कह सकते कि बाएं से 14वां अक्षर, देखो हम देखते कि बाएं से 14वां अक्षर, बाएं से 14वां अक्षर, इधर से 14वां अक्षर है ये रहा, और इसी के बाएं पूछा है, ये तो हम बाएं से जो कहां जा रहे हैं? दाएं में। अब ये इसके बाएं, तो बाएं इसका इधर ही हो जाएगा विपरीत वापिस, जो कौन सा है? पांचवा वापिस पांचवा, जो कौन सा हो जाएगा? आई। ठीक है, बायां बायां है इसलिए क्या हो गया है? सबट्रैक्ट। और अगर दायां बायां होता तो क्या होता? प्लस। ठीक है, टाइप 6। टाइप 6 है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां कौन सा होगा? दाएं से दाएं ना, तो क्या होगा? माइनस होगा। 12 माइनस 7 इजकल टू 5। देखिए, पांचवा निकालना है ना, और किधर से निकालना है? ये दाएं से। सबसे मेन हमें ध्यान रखना है दाएं से। अब देखिए, या तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? पांचवा ये दाएं से, तो बाएं से कौन सा होगा? ये 22 होगा। क्यों? क्यों 22 और 5 कितने होते हैं? 27। हमेशा एक प्लस लेते हैं। ठीक है, तो 22 5 27, तो 22 कौन सा होता है? वी होता है। कौन सा होता है? वी। और अगर जेड से निकालेंगे तो भी कौन सा होगा? वी होगा। वह वी होगा ना, क्यों? जेड वाई एक्स डब्लू और वी, तो कौन सा हो गया? वी। पांच अक्षर कौन सा हो गया? वी। ठीक है, या तो मैं से निकालेंगे 12 माइनस 7 पांचवा आ गया, अगर बाएं से निकालेंगे तो 22 होगा, क्यों? 22 और 5 कितने होते हैं? 27 होते हैं, जो 22 कौन सा होता है? वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी है। ठीक है, ओके।